में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे मैंगो बर्फी। वैसे तो आप लोगों ने बहुत तरह की बर्फियां बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज आप मेरे तरीके से मैंगो बर्फी बनाकर देखिए। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आसानी से बन जाती है। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं कविता की रसोई में और बनाना शुरू करते हैं मैंगो बर्फी। मैंगो बर्फी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज का आम लिया है, मीठा आम है, और 1/2 लीटर दूध है, और 1 कप चीनी है 200 ग्राम। अब आम को छीलकर इसका पल्प निकाल लेंगे। सभी पल्प को मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसको ग्राइंडर जार में रख कर इसको ग्राइंड कर लेंगे। हम लोग दूध को उबाल लेते हैं। यह घर का ही दूध है, फुल क्रीम दूध है, एक्स्ट्रा मलाई इसमें नहीं डालेंगे। आम ग्राइंड हो चुका है, अब इसके एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा पेस्ट निकला है। अब इसको चम्मच से निकाल लेते हैं कटोरी में। दूध उबल गया था, मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया था, चीनी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से चला देंगे। नारियल का बुरादा 250 ग्राम था। नारियल का बुरादा डालते ही थोड़ा देर में गाढ़ा होने लगेगा। अब इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे। मैंने 2 मिनट हाई फ्लेम पर रखा था और बुलबुला इसमें निकलने लगा है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और इस पर इसको पकाएंगे। अब हम लोग इसको 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। नारियल का बुरादा डालने पर देखिए पूरा दूध सूख गया है, सब ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे आम का पल्प और इसको फिर चलाते रहेंगे इसको, और फ्लेम को हाई कर देंगे। 2 मिनट के लिए चलाएंगे। 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से शाइनी हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, किनारे किनारे से पकड़ेगा भी नहीं। और इसको बराबर चलाते रहेंगे। देखिए उड़ रहा है तो इसको ढक्कन लगा लगा कर इसको चलाएंगे ताकि हमारे देह पर पड़े नहीं। इस तरह से चलाएंगे, यह उड़ रहा है तो इसलिए हमारे पड़े नहीं, तो इसलिए ऐसे ऐसे करके इसको चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह अच्छी तरह से हो चुका है। देखिए सूख गया है, किनारे से भी छोड़ने लगा है। इसको बनाने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब एक थाली लेंगे और उसको घी से ग्रीसिंग कर देंगे चारों तरफ ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, अच्छी तरह से निकल जाए। हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं। अब इसको थाली में पलट देंगे ऐसे, अब इसको ऐसे फैला देंगे ऐसे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। बहुत पतला नहीं करेंगे, बर्फी थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। चारों तरफ से इसको ऐसे कर देंगे। फ्रेंड्स आप इसको बस बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आम का कलर लाइट होगा तो थोड़ा सा कलर मिला सकते हैं जिससे कलर उसका अच्छा आ जाए। कोई भी आम रहे कोई बात नहीं, इससे भी इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं। अब इसको सेट करने के लिए 6-7 घंटा के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसको फ्रिज में डालें। 6 घंटे हो चुके हैं, यह अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब एक चाकू की मदद से इसको काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको काट कर देखते हैं, देखिए कितना इजीली कट रहा है, कितना सॉफ्ट है। आप चाहे तो जिस शेप में चाहे उस शेप में आप काट सकते हैं। इसी तरह सबको काट लेंगे। इसी तरह सारे बर्फी को मैंने काट लिया है। एक उठाकर देखते हैं कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है। इसको मैं नजदीक से दिखाती हूँ। इस पर आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन हेल्थ भी उसे अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आम का बर्फी बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा कलर है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे बस बनाइए, सभी लोग इसे बहुत ही पसंद करेंगे और आसानी से भी बन जाता है। देखे आप कितना इजिली हम लोग बना लिए। तो फिर आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। प्लीज मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।